अस्सलाम वालेकुम। कल एक भाई ने क्वेश्चन किया ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सचेंज से रिलेटेड। वो सऊदी में होते हैं और अब वो यूएई ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं। तो ही आस्क मी देर, मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ अपना रिसर्च किया। तो आई केम टू नो के अगर आपके पास टोटल 33 कंट्रीज़ हैं जिनको ऑन अराइवल उनका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जब एक्सचेंज हो जाता है टू यूएई लाइसेंस, उनमें से जो जीसीसी की कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेट काउंसिल के जो हैं, ठीक है, या कॉपरेशन काउंसिल के जो हैं, ठीक है, जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं उनमें आता है कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी एंड ओमान, और एक यूएई आता है, ठीक है। ये 5-6 जो कंट्रीज़ हैं जीसीसी में, इनमें से जो अब जो मैंने देखा वो ये लिखा हुआ था कि जो नेशनल्स हैं जीसीसी के, इट मीन्स जो लोकल हैं वहाँ के, जिनके पास वहाँ की वो है नेशनैलिटी है, उनको ऑन अराइवल जो है वो मिल सकता है, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। और जो बाकी होते हैं, ठीक है, उनका कंफर्म नहीं है। तो अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ उनको भी मिलता है, बिकॉज़ जो मैंने देखा उनकी वेबसाइट पे वो था कि जो उनकी जीसीसी के नेशनल्स हैं, ठीक है, उनको ऑन अराइवल उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज हो जाता है। तो इसको ज़रा क्लियर कर लें। और जो बाकी हैं कंट्रीज़ हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, जर्मन, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका और बाकी ब्ला 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 जो भी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी क्योंकि नेशनैलिटीज़ किसी ने भी ली होती और कोई टेंशन नहीं होती, तो उनका कोई भी जो अगर पाकिस्तानी इंडियन भी जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है तो उसको भी ऑन अराइवल एक्सचेंज करके दे देते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनका एक्सचेंज हो जाता है। जैसे मेरे एक पिछले कंपनी में एक फ्रेंड थे पाकिस्तानी, वो यूके से आए थे 5-6 साल गुजार के, उसके पास वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस था, तो वो यहाँ पे आके ड्राइविंग उसमें गया जो ये लाइसेंस इशू करते हैं, और उन्होंने दे दिया, कोई ट्राई कुछ भी उसका नहीं हुआ। तो ये तो ड्राइविंग लाइसेंस जो जीसीसी के कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी से अब काफ़ी सारे लोग आना चाह रहे क्योंकि वहाँ पे इतने हालात अच्छे नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह यूएई काफ़ी बेटर है और काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो वो अब जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो पूछ रहे हैं, तो आने से पहले ये कन्फर्म कर लें, हाँ अगर आपके पास उसी कंट्री की गाड़ी है, जैसे अगर आप ओमान से, सऊदी से या कहीं से आ रहे हैं जो बाकी जीसीसी की कंट्रीज़ हैं, और आप उसी ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं है। अगर आपके पास सऊदी का लाइसेंस है और सऊदी की ही नंबर प्लेट है और गाड़ी है, तो आप उस लाइसेंस पे वो वाली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके जॉब मिलना और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करना, उसके लिए आपको यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं स्कूल की, मे भी आपको मिल जाए ऑन एक्सचेंज कर लें, और या मे भी आपके कुछ क्राइटेरियाज हों ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करने के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह, इनके पास जो वहाँ के जो लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका अगर लाइसेंस है तो उनसे एक टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे रोड का टेस्ट, अगर वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो उनको यहाँ का लाइसेंस एक्सचेंज करके दे देते हैं, अगर टेस्ट क्लियर नहीं करते तो उनको कुछ ऑलमोस्ट 50% क्लासेस रखवा लेते हैं, 50% क्लासेस के बाद उनसे फिर टेस्ट लेते हैं, वो फिर टेस्ट क्लियर करेंगे तो उनको लाइसेंस मिल जाता है। और समटाइम्स आपसे टेस्ट नहीं लेते, आपको 50% क्लासेस वो रिकमेंड कर देते हैं, और वो 50% क्लासेस पास करने के बाद और उसके बाद टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। आई होप आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, और उसे भी शेयर करें। थैंक यू।